हेलो एवरीवन, चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के अंतर्गत हमने लिटमस, एक जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था। अब हमारी बारी आती है टर्मेरिक। टर्मेरिक मीन्स होता है हल्दी। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। किसके लिए इंडिकेटर? कि क्या एसिड है, क्या बेस है, क्या न्यूट्रल है, हमें ये जानने के लिए टर्मेरिक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना होगा, तो फिर हम इसका यूज एज अ इंडिकेटर कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि आपको एक चम्मच भर के टर्मेरिक लेना है, टर्मेरिक का पाउडर मतलब हल्दी पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका एक पेस्ट बनाना है। फिर इस टर्मेरिक पेस्ट को एक पेपर पे, टू टाइप्स के पेपर देखिए इसमें दिए गए हैं, एक है ये ब्लॉटिंग पेपर, मतलब ये सोखता वाला पेपर जानते होंगे आप, और दूसरा दिया गया है फिल्टर पेपर, जो छानने वाला पेपर आता है, उसको लेके उसके ऊपर आप इस हल्दी के पेस्ट को लगाएंगे, फिर उसको सुखा लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा येलो टाइप का एक पेपर बन जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो एक ये बढ़िया मजबूत येलो टाइप का एक पेपर बन जाएगा। अब क्या करना है, उसके आप जिस चीज़ का भी आप टेस्ट करना चाहते हैं कि एसिड है या बेस है या फिर क्या है, उस पर आप उस सोल्यूशन का उस पर कुछ बूंदे गिराएंगे तो वो उसका कलर चेंज होगा और वो आपको बता देगा कि एसिड है या बेस है। अब वो कौन से कलर का होगा, कैसा होगा, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, इसमें देखिए दिया गया है, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर। वो जो हमने टुकड़ा लिया है पेपर का, जो टुकड़ा बनाया है, मतलब जो हमने क्या अभी किया था, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर टर्मेरिक का जो पेस्ट लगाया था, वो एक बन गया, वो स्ट्रिप पेपर, मतलब पेपर का एक टुकड़ा बन गया, ठीक है। तो ये टेबल एक दी गई है, टेबल 5, ये तो हमने लिटमस की टेबल कर ली थी, ये है टेबल 5.3, ये है इसकी टेबल। इसमें क्या करना होगा आपको, ये देखिए टेस्ट के सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं कि इस सोल्यूशन का हमको टेस्ट करना है, और यहाँ पे उस जो टर्मेरिक सोल्यूशन, मतलब जो वो हमने पेपर पे टर्मेरिक का बनाया है, उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे रिमार्क्स लिखेंगे कि मतलब हमें इस इफेक्ट से क्या पता चला, ठीक है। अब इसको समझिए थोड़ा सा ऊपर से, इसमें करना क्या है देखिए। इसके पहले एक छोटी सी चीज़ ये दी गई है, चलिए इसको देख लेते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट ऑन अ सीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। कह रहे हैं वाइट पेपर लो, उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दो, हल्दी पाउडर का, फिर उसको सुखा लो, ठीक। फिर उसके ऊपर सोप सोल्यूशन, साबुन के सोल्यूशन से आप कुछ भी डिजाइन बनाइए तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। तो ये करना है। अब ये जो यहाँ पे देखिए, ये वाली जो टेबल दी गई है, इसको आपको फिल करना है। तो इसको अपने आप गूगल करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ये टेबल फिल करके दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे सिर्फ इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये बुक में आपके भी ये टेबल बनी हुई होगी, इसको आप बना लीजिएगा। इसमें देखिए लेमन इफेक्ट जो है, जब उसको आप उसी टर्मेरिक वाले सोल्यूशन पर डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, जब उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसका मतलब कि वो क्या है, एसिडिक है, ठीक। फिर ऑरेंज जूस डालेंगे, वो भी नो इफेक्ट, तो मतलब ये भी एसिडिक है। विनेगर जब डालेंगे तब भी नो इफेक्ट, मतलब ये भी एसिडिक है। अगर हल्दी वाले लेप पर, जो आपने हल्दी का वो जो पेस्ट बनाया था, उस पेपर पे लगाया था, उस पर अगर कोई भी सोल्यूशन आप गिराएंगे और वो रेड कलर का हो जाएगा, टर्न्स रेड हो जाएगा, तो वो बेसिक है। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध जब आप उस पर डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, इसीलिए वो क्या है, बेसिक है। बेकिंग सोडा जब आप उस पर डालेंगे तो वो भी रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये बेसिक है, ठीक। लाइम वाटर जब आप उस पर डालेंगे, चूने का पानी, तब भी वो रेड हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है। अब इस पर शुगर डालेंगे, कोई इफेक्ट नहीं, तो ये न्यूट्रल है। ये पता है आपको कि शुगर जो है एसिडिक नहीं होती, क्यों, क्योंकि आप इसको खा के भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। ये आप टेबल बना लीजिएगा, चलिए उसके आगे देखते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइना रोज एज इंडिकेटर। गुड़हल की पत्ती को भी हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको उसकी गुड़हल की कुछ पत्तियां लेना होगा, फूल की पत्तियां, ठीक, उनकी पेटल्स लेनी है, मतलब उनकी जो फूल की पत्ती, उनको आप पानी में डालेंगे, ठीक है, और गर्म पानी में, हल्का सा गर्म पानी उसमें आप डालेंगे, और जब तक वो पानी कलर्ड नहीं हो जाता तब तक वो पानी उसमें पड़ी रहेंगे, ठीक। बाद में उन पत्तियों को अलग निकालेंगे। अब इस सोल्यूशन को आप इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो देखिए क्या था, हमने क्या किया, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए फिर से।
हमने क्या किया, गुड़हल के फूल की पत्ती को गर्म पानी में डाला कुछ देर के लिए, जब तक उसका पानी का कलर चेंज नहीं हो गया। अब उस पानी को जिस भी सोल्यूशन में आप डालेंगे वो जिस टाइप से रंग चेंज करेगा वो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या है। तो इसकी एक टेबल देखिए दिया हुआ है चाइना रोज़ की, ये टेबल 5.4। इसमें क्या है, शैम्पू टेस्ट सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन है हमारा शैम्पू, ठीक है। तो ये इनिशियल कलर शैम्पू क्या होता है आपको पता होगा, और फाइनल कलर जो जब उसमें हम गुड़हल के पत्ती का जो हमने सोल्यूशन बनाया है, अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे चाइना रोज का जो सोल्यूशन है उसको जब उसमें डाला तो उसका फाइनल कलर क्या हुआ, ये आपको टेबल बनानी है। तो ये भी मैं आपको दिए दे रहा हूँ फिल की हुई टेबल, तो उसको आप देख लीजिए। देखिए शैम्पू जो है शुरुआत में उसका जो कलर होता है वो होता है मिल्की, मतलब दूध के कलर का, जब उसमें हमने गुड़हल की पत्ती वाला वो जो हमने सोल्यूशन डाला वो, तब फिर वो कैसा होगा, ग्रीन, ठीक। इसके बाद हमने लेमन जूस है वो डर्टी वाइट होता है, तो वो बाद में मैग्नेटा, देखिए इसमें एक वो दिया गया था, हम लोगों ने शायद उसको मिस किया, देखते ज़रूरी चीज़ ये लिखी है, देखिए इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। कह रहे हैं कि इस सोल्यूशन का एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो चाइना रोज का जो इंडिकेटर है वो टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, डार्क पिंक को मैगेंटा भी बोला जाता है। मतलब अगर हम चाइना रोज के सोल्यूशन को किसी एसिडिक सोल्यूशन पर डालेंगे तो वो मैगेंटा कलर का हो जाएगा, मतलब कि वो डार्क पिंक हो जाएगा, और जब इसको किसी बेसिक सोल्यूशन पर डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके फोटो भी दिए गए थे, ये देखिए जब एसिडिक में डालेंगे तो इस कलर का हो जाएगा और जब बेसिक पे डालेंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग शैम्पू का जो इनिशियल कलर है वो दिया गया है आपको मिल्की, ठीक। बाद में ग्रीन हो गया इसका मतलब कि ये बेसिक है। अगर ये अब ये लेमन जूस जो है डर्टी वाइट था, मैगेंटा हो गया मतलब कि ये एसिडिक है। बताया गया था अगर ग्रीन होगा तो बेसिक है, मैगेंटा होगा तो एसिडिक है, ठीक है। आप चाहे तो इसके आगे एक और कॉलम आप ऐसे बना लीजिएगा, उसमें आप लिख लीजिएगा एसिडिक और बेसिक, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह सोडा वाटर ग्रीन दिया गया, मतलब कि ये बेसिक है, ये भी ग्रीन दिया गया है, ये भी बेसिक है, ये मैगेंटा है, ये एसिडिक है। और शुगर सोल्यूशन नो चेंज मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमारा चाइना रोज का कंप्लीट हो गया, ये टेबल आप अपनी कॉपी पे बना लेंगे। बाकी इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये टेबल आप दोनों बना के